स्वास्थ्य में माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं और दीपावली के दूसरे दिन ना हमारी सबकी तैयारी बन गई है। अपने यानी ससुराल जा रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम है और रामायण का पाठ हो रहा है, यानी आज से रामायण का पाठ बैठ गया है। तो चल रहे हैं, पतिदेव नहीं जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो हम बच्चे सब लोग ट्रेन से जा रहे हैं। पतिदेव तो कह रहे थे बस से जाओ, हमने कहा बस से ना हमको परेशानी हो जाए, चलते ये गाना चल रहा है ना, बोल नहीं सकते। आप भी कुछ बनाइए, क्या बनाओ, क्यों फोन को रखे ट्रेन कैसे चलती है, छुक 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 छुक। हमारी टिकट ट्रेन का आनंद ले रहे हैं, हड़ 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 रात में ना नींद रहे। सो गाइज हम लोग आ गए मानीपुर स्टेशन और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं मानीपुर। तो मानीपुर से मीना ले रही है, यहाँ पर फल है, नारियल है, क्योंकि हम लोग ना लखनऊ से फल लेकर के नहीं आए थे, बनाना ना रास्ते में ख़राब हो जाते हैं। गाइज बस हम पहुँचने वाले अपने ससुराल। देखिए इस समय ना हमारे खेतों में धान लगा है, ये हरी भरी बाग है इधर, ये दीदी देखिए धान है लगा हुआ है, अभी धान पका नहीं है। हाँ दीदी हमारे दरवाजे से ही खेत लगे हुए हैं, हाँ हाँ। देखिए दीदी रामायण का पाठ सुनाई देने लगा ना, सुबह ही शुरू हो गया। यही बढ़िया पता जी हो गया। हाँ हाँ, जय हो महामाया मैया की, जय हो माई की, जय हो माई की। राम बल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौर्यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्सावताम् वन्दे तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं जत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मञ्जुलमातनोति हम लोग ना सही टाइम पे आ गए हैं और यहाँ पर ना माँ भगवती हमारी सज गई हैं, हमारे देवर देवरानी पूजा में बैठ गए हैं और पंडित जी के आप लोगों ने मंत्र सुना, यानी पंडित जी मंत्र बोलने लगे हैं, पूजा शुरू हो गई है और हमारे चाचा लोग सब लोग बैठ गए हैं। बस रामायण का पाठ शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर हम मीना कर लेते हैं पूजा, माता रानी में प्रसाद चढ़ा दिए हैं। और कल इसीलिए ना हम वीडियो नहीं एडिट कर पाए हैं क्योंकि इस समय ना हम अपने ससुराल में हैं, तो जब ससुराल में रहो ना तो अपने काम इतने रहते हैं कि वीडियो एडिट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तो हमने सोचा वीडियो बनाने का क्या मतलब है, आज बहुत ही मुश्किल से हमने टाइम निकाला है और वीडियो एडिट कर रहे हैं। जग
सो गाइस, हम लोगों ने माँ भगवती के दर्शन कर लिए। ये हमारा सेहरू ना हमारे साथ साथ चल रहा है। देखिए कितना पहचानता है, सबको भूखता है बट हम लोगों को बिल्कुल नहीं भूखता। हाँ दीदी देखिए, ये माता रानी का शेर है। डॉगी जरूर है दीदी, लेकिन माँ का शेर है। इसको देखो कितनी खिलाई पिलाई होती है इसकी। हाँ मस्त है एकदम से। डॉगी दिख रहा लेकिन ये शेर है दीदी माता रानी का। और ज्यादातर माता के मंदिर में ही रहता है पास में। आप लोग यहाँ तक भी आवाजें आ रही रामायण की। अभी चाचा और भैया लोग सब कह रहे हैं, अब चल रहे हैं अपनी देवरानी, देवरानियों से मिलते हैं, अपनी चाची जी से मिलते हैं। इसीलिए ना हमने सोचा कि पहले मैया के दर्शन कर लेते हैं, चलते हैं और सबसे मिलते हैं। हाँ हमने कहा पहले मैया के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर सबके दर्शन करेंगे। बच्चे गए घर, पहले दीदी को अपनी चाय पिलाते हैं। हम तो गाय चाय पी करके आए थे बट हमारी दीदी ना बेचारी सुबह सुबह के चक्कर में ना चाय भी नहीं पी पाई हैं। दीदी देखिए यहाँ चारों तरफ ना फूल हैं, गुड़हल के यानी पेड़ लगे हुए हैं। चढ़ाने के लिए हाँ दीदी यहाँ ना इतने फूल बेल पत्र, आपको कहीं देखिए करौंदा के पेड़ हैं। चढ़ाना पड़ता है किसी जगह है। दीदी चाय पीजिए गर्मा गर्म। गाइज ये देखिए हमारी चाची जी ने, यानी भोजन बन रहा है, चावल बन गया, सब्जी बन रही है। और इधर हमारी दोनों देवरानियां चाय का चुस्की ले रही हैं, आनंद ले रही हैं। हम भी जा रहे हैं चाय पीने। ये देखो सबको चुस्की लिवा रहे थे, अपने खुद की ले रही हैं। चुस्की ले चाय पी रही है, चाय तो जरूरी है। नहीं वो सुबह की थी ना, एक बार थोड़ा दोबारा चाहिए होता है ना। ठीक रखे हम लोग ना चाय पी लें। और चाची ना दाल चावल सब्जी सब बना करके रखी थी, तो यहाँ पर मीना रोटी बेल रही हैं, हम जल्दी सेक लेते हैं। और दीदी जी हमारी बैठ करके देख रही हैं, करें शोभा कैसे चूल्हे में रोटी बना लेती हो। हमने कहा दीदी हम हमेशा बनाते हैं, हमको अच्छा भी लगता है चूल्हे में ऐसे रोटी बैठ करके सेकना। आप लोग भी यहाँ पर भोजन रेडी है, दाल है, चावल है, अचार है, सूखी सब्जी है, और वो भी चूल्हे का भोजन है, बहुत ही टेस्टी है। मीठा मीठा लगेगा चूल्हे का भोजन, चूल्हे वाला भोजन बड़ा अच्छा लगता है, सोंधा सोंधा लगता है। हम लोगों को गैस में मतलब बनाने में ना वो वाला टेस्ट नहीं आता जो चूल्हे के भोजन में टेस्ट आता है। और हम लोग की तीनों लोग की थाली लगी हुई है। हाँ चाची लोग ले गई, चाची और सबका खाना जा चुका है, साधना सब लोगों का भोजन गया। टाइम ना 4 बज रहे हैं और हम और दीदी भोजन करने के बाद 10-15-20 मिनट आराम किए हैं, चल रहे हैं रामायण का पाठ करते हैं। और ये हमारे आंगन का जो कच्चा वाला अमरूद है ना उसको खाते हुए जा रहे हैं।
यहाँ पर ना शाम को हमारे जीजा जी आ गए थे रामायण कहने के लिए, तो हम मीना जीजा जी के साथ ही ढोलक के साथ, यानी हम ढोलक बजाएंगे और जीजा जी हम सब लोग रामायण का पाठ कहेंगे, तो आप लोग भी सुनिए। गाइज हमारे यहाँ यहाँ बाहर भी रंगोली बनी हुई है। मनु क्या छुटा रहे हो पटाखे? मनु ना लखनऊ से लेकर के आए हैं, क्या छुटा रहे हो आप लोग? अनार अनार बम। ये देखने देखने पीछे छुटा रह गया तुम्हारे। ये माचिस इंजन।